नमस्कार, केबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पुनर्मिता और आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बालामऊ भाजपा विधायक रामपाल वर्मा ने किया आवासीय बालिका विद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास। यूपी हरदोई विधानसभा क्षेत्र बालामऊ के अंतर्गत जरोया गांव में आज ग्रामीण कार्य दायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा आवासीय बालिका विद्यालय का आज बालामऊ विधानसभा क्षेत्र से जनप्रिय वरिष्ठ विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रामपाल वर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक ने कहा, यह संस्था के द्वारा बनवाया जा रहा है आवासीय बालिका विद्यालय एक क्षेत्र के लिए नई विकास की किरण साबित होगा। उन्होंने इनका निर्माण कर रहे ठेकेदार से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गुणवत्ता पूर्वक कार्य कराया जाए, क्योंकि यह लड़कियों के लिए स्कूल है और इनमें कई प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेकेदार के अवस्था किया गया गुणवत्ता कार्य पूर्ण तरीके से होगा। इस स्कूल की लागत लगभग 2,48,00,000 होगी। एक वर्ष में ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण किया जाएगा। सभा स्थल पर पहुंचने के पूर्व क्षेत्रीय विधायक का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अमित शुक्ला उर्व गुड्डू, भाजपा नेता अरविंद शुक्ला, सत्य प्रकाश शुक्ला, जरोया के पूर्व प्रधान विनोद वर्मा उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए विधायक जी ने कहा, यह मौका सौभाग्य की बात है कि इस गांव में यह कार्यकारी संस्था के द्वारा इनका निर्माण कराया जा रहा है। इन्होंने दूर दूर से लड़कियों के स्कूल की शिक्षा ग्रहण करेंगी, जहां पर ग्राम पंचायत अधिकारी कुलदीप वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश चंद बैनीगर, नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि रूप अजंता भाजपा मंडल बैनी अध्यक्ष देवसेना अवस्थी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सुरक्षा अवस्था को देखते हुए कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार राय फोर्स के साथ मौजूद।